जेडीयू अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयारी में जुट गई है। इसे लेकर संगठन को मजबूत और धारदार बनाने के लिए संगठन में बड़े बदलाव किए गए हैं। संगठन में वैसे लोगों को जगह दी गई जो पार्टी के नज़र में आने वाले विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने प्रदेश संगठन को भंग कर और नई कमेटी की घोषणा कर दी है। पिछली जंबो कमेटी जिसमें 300 सदस्य थे, इस बार 115 नेताओं को प्रदेश कमेटी में जगह दी जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बताया कि चुनाव को देखते हुए पार्टी ने फैसले किए हैं और कमेटी को छोटा कर दिया ताकि संगठन को धार दी जाए। साथ ही वैसे लोगों को बाहर किया है जो संगठन में निष्क्रिय भूमिका निभाते हैं। उमेश कुशवाहा ये भी बताते हैं कि लोगों को संगठन में जगह नहीं मिली, उन्हें अलग ही भूमिका दी जाएगी जिनकी भूमिका चुनाव में महत्वपूर्ण होगी। पार्टी के प्रदेश संगठन को 10 उपाध्यक्ष, 1 कोषाध्यक्ष, 49 महासचिव, 46 सचिव और 9 प्रवक्ता बनाए गए हैं। सबसे चौंकाने वाली तस्वीर प्रदेश उपाध्यक्ष की लिस्ट में देखी गई, जिसमें पिछली बार शामिल लक्ष्मेश्वर राय, खुर्शीद अहमद, जय कुमार सिंह, डॉक्टर रंजू गीता, वीरेंद्र प्रसाद सिंह, श्याम बिहारी प्रसाद, अशोक कुमार, लखन ठाकुर, मुजाहिद आलम, वीरेंद्र सिंह दांगी, अंजलि सिंह, बीके सिंह, विश्वनाथ सिंह और टुनटुन प्रसाद जैसे नेताओं को जगह नहीं मिली। सूत्र बताते हैं कि कई लोगों को कमेटी में जगह नहीं दी गई, उन्हें पार्टी चुनाव में टिकट दे सकती है। जेडीयू प्रदेश उपाध्यक्ष की जो लिस्ट जारी की गई उसमें 10 की जगह दी गई है। इसमें रविंद्र प्रसाद सिंह, अजीत चौधरी, महाबली सिंह, मुनेश्वर चौधरी, संजय सिंह, हारून रशीद, बैगनाथ प्रसाद विकल, प्रामिल कुमारी प्रजापति, अमर कुमार अग्रवाल और कलाधर प्रसाद मंडल को उपाध्यक्ष बनाया गया। वहीं इस कमेटी में 49 लोगों को प्रदेश महासचिव बनाया गया, जिसमें वासुदेव कुशवाहा, मनीष कुमार, धर्मेंद्र चंद्रवंशी, राणा रणधीर सिंह चौहान, भूमिपाल राय, मेजर इकबाल हैदर, वीरेंद्र कुशवाहा कुछ प्रमुख नाम हैं। वहीं इस कमेटी में 9 प्रवक्ता भी बनाए गए, जिनके ऊपर पार्टी की बात को मीडिया में रखना है। जदयू के 9 प्रवक्ता नीरज कुमार निहोर यादव, अंजुम आरा हिमारय, राम अरविंद निषाद, भारती मेहता, परमिल कुमार, अनुप्रिया मनीष कुमार शामिल हैं। अगर बिहार की सियासत की बात की जाए तो नीतीश कुमार पिछले लगभग 20 साल से बिहार के सीएम हैं। नीतीश कुमार के सीएम रहने के दौरान इंडिया और एनडीए दलों के साथ सरकार में रहे और शासन भी किया। अब ऐसे में देखना यह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार फिर से सत्ता के बागडोर संभालते हैं या उम्र का लिहाज कर सत्ता की चाबी किसी युवा या पार्टी के अन्य किसी नेता के हाथ में थमा देंगे। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।